हेलो दोस्तों, क्या भी चाहते हैं कर्ल रो में इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए लेटर टी से रिलेटेड, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है F6, और अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इस तरीके से आपको ये जो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। उसके बाद शेप टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है F10, और इसका जो कॉर्नर है वो सारे को राउंड कर लेना है, ओके, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, इसका भी एक कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से इसको भी क्या करना है, छोटा कर लेना है। तो अब इतना जाने के बाद क्या करना है, एक बार सारे को सेलेक्ट करेंगे और एक बार सी और एक बार ई करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट होगा, और एक बार बी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो बॉटम में चला गया। अभी इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है, यही बॉटम में चला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से कॉपी करना है, यानी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। उसके बाद क्या करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और एक बार टी प्रेस करेंगे ना, तो ये क्या होगा, टॉप में चला गया, ठीक है। इस तरीके से उसका सारे को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉप टूल हो गया, क्रॉप टूल के नीचे होगा नाइप टूल, उसके बाद वर्चुअल असेसमेंट डिलीट टूल लेना है, ठीक है। और इस तरीके से इसको यहाँ से इसको डिलीट करना है। इतना डिलीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसको इसके अंदर आपको कलर को फिल कर लेना है, ओके। और इसको इधर बाहर में करके इसको सारे को आउटलाइन को डिलीट कर लेना है। और इसको भी क्या करना है, थोड़ा सा जूम करते हैं हम, और क्या करना है, इसका भी सारे को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी करेंगे, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको यहाँ क्या करना है, 90 डिग्री पर रोटेट करना है इसको। इस तरीके से रोटेट करने के बाद इस पर क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, और अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा और यहाँ तक नीचे लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से शेप टू लेना है और सारे को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा इनक्रीज करते हैं और नीचे के साइड में हम लोग इसको लेके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, सारे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो जिस ये जो अंदर का जो कलर था वो रिमूव हो गया, ठीक है। और क्या करना है, अभी सारे को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल के साथ जी करेंगे तो ये ग्रुप हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से वर्चुअल असेसमेंट डिलीट टू लेना है और ये ऊपर वाला जितना भी जो है ये इसको डिलीट कर लेना है, और इस तरीके से इसको भी डिलीट कर लेना है और नीचे तक इसको इस तरीके से डिलीट कर लेना है, ओके। उसके बाद फिर से आपको स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसके अंदर आपको कलर को फिल करना है इस प्रकार से, और सारे को सिलेक्ट करके इस तरीके से, और ये सब जितना भी था इसको डिलीट कर लेना है। और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, कलर को फिल करेंगे। तो उसके लिए हमको ग्रेडियंट टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है जी। आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लीजिए और इसके अंदर आप कलर को फिल कर लीजिए इस प्रकार से। आप अपने अकॉर्डिंग कलर को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, कलर को फिल कर लेना है। देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कलर को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे सेट आउटलाइन कर पे क्लिक करेंगे, जितना भी आउटलाइन होगा वो रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।